हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस साल की मतलब 2024 की जो महाराष्ट्र स्टेट की जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे हम शॉर्ट में एमएच सेट कहते हैं, ये 7 अप्रैल 2024 को होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ दिस सेट लाइफ साइंसेस एग्जाम, मैं यहां पर आज से कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात यह है कि ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस एमएच सेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। और दूसरी बात यह है कि आपको कॉम्पिटिटर मिले, क्योंकि जब हमें कोई कॉम्पिटिटर होता है तो हम अच्छी तरह से, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई सी भी चीज हो, हम वहां पे कर सकते कि चलो भाई ये भी पढ़ाई कर रहा है तो मुझे भी करनी पड़ेगी, ये पढ़ाई कर रहा है, ये कुछ सेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी अच्छी तरह से सेट का प्रिपरेशन कर लूंगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या फिर फायदे होते हैं जो अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटर होता है। तो डोंट हेजिटेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर कॉम्पिटिटर, टू योर फ्रेंड। ओके, सो आज से कुछ वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ एमएस सेट का जो सिलेबस है। और आपके पीजी मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी, देन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इसके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपका पीजी हुआ आए या किया है आपने, तो जो सिलेबस है आपके पीजी के टॉपिक या सब्जेक्ट उसके रिलेटेड जो सिलेबस एमएच सेट लाइफ साइंसेस का है, वो टॉपिक पर मैं यहां पर वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो इसलिए अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो अपकमिंग डेज में जो वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये आज का जो वीडियो है, ये यहाँ पे मैं कुछ एनालिसिस किया है मैंने, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का, ये क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉर्ट आउट किए हैं जो कि आपके पीजी के सब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो अगर ये पीजी का सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है, आपके जो पेपर्स है, उसका भी अगर आप पढ़ाई अच्छी तरह से करते हो, अच्छे अंडरस्टैंडिंग से करते हो, तो डेफिनेटली आपको सेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जो एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, इसमें से टोटल मैंने अभी तक मतलब टोटल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 59 क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, चाहे वो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो, फर्मेंटेशन हो, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो, इसके रिलेटेड है। ओके, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी हो, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चंस ये सेट एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर के। तो इसी टॉपिक का, पॉइंट का, पेपर का अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली ये अगर हम 59 भी अगर हम क्वेश्चंस पकड़ेंगे या फिर 60 क्वेश्चन पकड़ेंगे, और अगर बॉटनी जूलॉजी का अगर आप कुछ अच्छी तरह से बेसिक बेसिक अगर आप पढ़ाई करते हो, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो डेफिनेटली 80 क्वेश्चन जो है, 80 क्वेश्चन जो है, ये आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकोगे और उसके मार्क्स भी आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ाई करते हो तो सेट एग्जाम में आपको मोर देन 150 मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं आउट ऑफ 200। ओके, तो इस तरह का अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड बाय स्टडिंग सच इन दिस वे। तो इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको अपकमिंग जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज का ये जो वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस का, ये वीडियो भी आप पूरा देखिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस आए हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आए, कितने डेप्थ तक आए हैं, मतलब कितनी डेप्थ में आपको पढ़ाई करनी है। और बेसिक भी क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आए हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बेसिक भी अगर वो पॉइंट है तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस है। तो इसीलिए बेसिक से लेके डेप्थ तक आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन कितनी डेप्थ तक आपको पढ़ाई करनी है ये वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो मोर देन 150 स्कोर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लास्ट ईयर पेपर, दैट इज
एमएच सेट लाइफ साइंसेस पेपर नंबर टू एंड सेट ए. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो दिस इज एज वी नो पेपर सेकंड ऑफ लाइफ साइंस एंड द सेट क्वेश्चन पेपर सेट इज हियर इट इज ए. ओके सो हियर सो दिस क्वेश्चन पेपर बिकॉज देर आर फोर सेट्स आर देर ए बी सी डी एंड इन ऑल दिस सेट्स जनरली द क्वेश्चंस आर सेम बट द सीक्वेंस और दैट इज चेंज और दिस क्वेश्चंस आर रीशफल्ड. ओके सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज पेपर नंबर दैट इज पेपर टू देन लाइफ साइंस. दिस इज इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. सिग्नेचर एंड नेम ऑफ दैट इज अबाउट इन्विजिलेटर सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर नेम सिग्नेचर एंड हियर इट इज योर सीट नंबर इन फिगर्स एज इन एडमिट कार्ड. दिस इज सीट नंबर अगेन इन वर्ड्स एंड दिस इज ओ एम आर शीट नंबर दैट इज दैट आंसर शीट नंबर विच इज गिवन टू यू दैट ओ एम आर शीट नंबर यू हैव टू राइट हियर. ओके सो दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस हियर दैट इज टाइम अलाउड इट इज 2 hours देन मैक्सिमम मार्क्स इट इज 200 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट दैट इज 100. सो यू हैव टू चेक ऑल दिस पेजेस दैट क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग your writing your answers in the OMR sheet. Okay, so that you have to check if they are saying that booklet has 20 pages, so you have to check. Okay, if the number of questions paper in this booklet these are 100, that again you have to check here whether these are really 100 or not. So that you have to check before starting your writing answer. And these are some instructions here, both languages that instructions are given in English as well as in Marathi. Okay, so these are the instructions which are given in both languages. So as they told here that there are 100 questions are there and 200 marks are there. That means each question it carries 2 marks. Okay, so in this today's lecture, as already I have told here, I am going to discuss these questions of from this paper here. Okay. And generally, if you are from microbiology, biotechnology, applied microbiology, industrial microbiology, industrial biotechnology, for example, so whatever that questions are there from these two subjects, mostly microbiology and biotechnology, that today I am going to discuss here. Only questions, not answers or like that here, because you will get information on which particular topic that questions are there. From which topic that questions are there, up to which depth that questions are there. So, अगर ये आपको पता चलता है कि नहीं चलो इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है और कितने डिटेल में वहां पे आया है, whether इसका आंसर मतलब जस्ट रीडिंग दैट ऑप्शन यू कैन गिव द आंसर या फिर कुछ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन रहेंगे उस पर, तो ये आपके समझ में आ जाएगा. और जब आप क्वेश्चन पेपर का भी स्टडी करते हो तब आपको समझ में आता है कि भाई अगर लास्ट ईयर में या फिर उसके पहले साल में ये क्वेश्चन पेपर है लाइफ साइंसेस के, और जब आप ये सभी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि आपको कितनी डिटेल स्टडी करनी है, कितनी डेप्थ में वहां पे जाना है, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पर वहां पे आपको फोकस करना है. तो ये आपके समझ में आएगा. ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हैं तो एक एक क्वेश्चन मैं वहां पे पढ़ूंगा ताकि आपके समझ में आए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वो पर्टिकुलर टॉपिक से है और कितनी डेप्थ तक इसका यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. तो ये आपके समझ में आएगा एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल व्हेन यू विल स्टार्ट योर स्टडी फॉर दिस अपकमिंग सेट लाइफ साइंसेज एग्जाम और दैट एमएच सेट एग्जाम. तो वो आपको एडवांटेजेस रहेगा. तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाले हैं, नंबर यहाँ पे मैंने निकाले हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से ये क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. टोटल मैंने यहाँ पे 59 क्वेश्चंस निकाले हैं, तो एक 10-15 क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में ले लूंगा और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स लेके जो आपके पीजी के सब्जेक्ट रिलेटेड है.
जैसे कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी किया है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी किया है, या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, या फिर फॉर एग्जांपल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, या फिर पेपर हम कहेंगे इसको जो आपको पीजी में थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पेपर आपको रहता है, मॉलिकुलर बायोलॉजी का पेपर आपको रहता है, या फिर इम्यूनोलॉजी का रहता है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का रहता है, बायोकेमिस्ट्री का पेपर आपको रहता है, तो इसमें से जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए वो तो डिस्कशन वहां पे यहाँ पर होने वाला है, और उसके बाद हम एक एक यूनिट जो स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर मैं वहां पे आपको दूंगा वो अकॉर्डिंग टू उस पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा। कि चलो इम्यूनोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इम्यूनोलॉजी में जो पॉइंट्स है यहाँ पे सिलेबस में दिए हुए, उस पर मैं वहां पे वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। एंड उसके बाद इन बिटवीन एक थियोरेटिकल लेक्चर भी वहां पे हो जाएंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन टाइप, और उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक में, चाहे वो इम्यूनोलॉजी हो, चाहे वो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो जेनेटिक्स हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं या फिर आए हैं अभी तक, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपने यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट वेट, डू सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते, एंड गेट नोटिफिकेशन अब अगर दैट इज अकॉर्डिंग और एज पर और अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट हियर। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने दिया है इंस्ट्रक्शन कि दिस पेपर कंटेन्स 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स एंड वन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मतलब चलो भाई 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं या 80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, अटेम्प्ट एनी 90 और अटेम्प्ट एनी 80, अटेम्प्ट एनी 95, ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिए, निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जो टाइम है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2 घंटे का पेपर है, टाइम अलाउड इट इज 120 मिनट्स, 2 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट अगेन, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फाजेस आर कलेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ई कोलाइड डोनर स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप सेरीन प्लस, ग्लाइसिन प्लस, ल्यूसिन प्लस एंड यूज टू ट्रांसड्यूस अ रिसिपिएंट ऑफ जीनोटाइप सेरीन माइनस, ग्लाइसिन माइनस, ल्यूसिन माइनस, दैट प्लस साइन और माइनस साइन दैट इंडिकेट्स, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया और दिस स्ट्रेन्स हियर दे आर एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड इफ देयर इज अ प्लस साइन इज देयर, ओके, एंड इफ देयर इज अ माइनस साइन इज देयर हियर, सो दैट मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल द ट्रीटेड रेसिपियंट पॉपुलेशन इज प्लेटेड ऑन ए मिनिमल मीडियम सप्लीमेंटेड विथ ल्यूसिन एंड सेरीन, मेनी कॉलोनीज ग्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर द कॉलोनीज दैट ग्रू। नाउ आफ्टर दिस ग्रोथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर द कॉलोनीज विच विल बी ग्रो ऑन दैट मिनिमल मीडियम फॉर एग्जाम्पल। सो एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स वी कैन से, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली दिस इज फ्रॉम द कॉन्जुगेशन। ओके, सो यू हैव टू स्टडी द कॉन्जुगेशन इन डिटेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्जुगेशन। ओके, आपको अच्छी तरह से वो कॉन्जुगेशन जो वन मैकेनिज्म है जीन ट्रांसफर की, वो आपको अच्छी तरह से वहां पे स्टडी करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट अगेन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट किए, सॉर्ट किए, जो कि आपको मतलब इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ योर सब्जेक्ट, पीजी का सब्जेक्ट। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरूविक एसिड विल बी। अभी अगर हम ये देखेंगे तो ये वैसे थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, उतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन उतना कुछ डिटेल या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आपको बताना है कि अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है तो पाइरूविक एसिड का
जो मेटाबॉलिक फेट है वो किस तरह से होता है, और कुछ ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए उन्होंने, इट्स अ पार्शियल ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, इट विल बी यूटिलाइज फॉर रीऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच एंड इट विल बी यूटिलाइज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी नीड। अगर आप ये दोनों दो क्वेश्चन कंपेयर करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉन्जुगेशन के बेसिस पे था और ये फोर्थ क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ओके तो ये दोनों में से थोड़ा सा पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस फोर्थ क्वेश्चन। ओके तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ये ऐसे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस अगर आप करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी डिटेल में स्टडी करनी है और कितने अच्छी तरह से वो टॉपिक आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये बीच में जो है ये बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दैट, सो वो मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। डायरेक्टली जो मैंने क्वेश्चन उसके बाद सॉर्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो फिर से आपके समझ में आएगा, मतलब दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और नाउ दिस वन इट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हम उसको बोल सकते हैं, और या फिर जब आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मैकेनिज्म आप स्टडी करते हो, एंटीबायोटिक मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस की मैकेनिज्म जब आप स्टडी करते हो, तो वहां पे भी आपको ये इस प्रकार का क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है 11th नंबर का, मैच द एंटीबायोटिक्स इन कॉलम ए विथ देयर अप्रोप्रिएट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी विच इज गिवन इन कॉलम बी। मतलब यहाँ पे भी सिंपल क्वेश्चन है ये एक्चुअली, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, अभी इस बार समझो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें जो इस टाइप का जो मैच द फॉलोइंग करके हम कह सकेंगे इसको कि ये आया है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी का। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि भाई एक कॉलम में आपको बैक्टीरिया का नाम दिया जाएगा और दूसरी कॉलम में आपको डिसीजेस का नाम दिया जाएगा, या फिर एक कॉलम में आपको एंटीबायोटिक का नाम दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉलम ए में दिया है, और दूसरे कॉलम में आपको दैट डिसीज का नाम दिया जाएगा जिसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक यूज होता है, बराबर। और यहाँ पे उन्होंने मतलब जिसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है उस पर्टिकुलर माइक्रोबियल एजेंट का नाम दिया है, नाम इन द सेंस यार कॉमन नेम दिए है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दिए। तो ये पहला जो कॉलम ए में कुछ एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दिए हैं उन्होंने, और इनकी जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है ये किनके खिलाफ है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो ये एक सिंपल का क्वेश्चन है, चाहे वो उसी तरह से आपको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से अगर हम लेंगे एग्जांपल, तो एक कॉलम में आपको माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरिया का नाम दिया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाएगा, और दूसरे कॉलम में आपको फिर वहां पर प्रोडक्ट का नाम दिया जाएगा, और वो भी आपको फाइंड आउट करना है, मैच करना है कि मैच द बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विथ देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कॉलम बी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन वहां पर आ सकता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कुछ जो डिसीजेस के नाम है, वायरल डिसीजेस हो, बैक्टीरियल डिसीजेस हो, फंगल डिसीजेस हो, उसके नाम आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और कौन से बैक्टीरिया से, फंगाई से, वायरस से ये डिसीज होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स अगर उसके अगेंस्ट यूज होती है डिसीज ट्रीटमेंट के लिए वो भी आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से हो और कोई अदर टॉपिक हो। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन है 11 नंबर का, एंड इट इज मोस्टली वी कैन से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट और लाइक दैट ईयर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 12th नंबर, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? इन द प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन साइट ऑफ एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ डैश 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 कोडॉन प्रिसीडेड बाय। ओके सो व्हेन यू आर स्टडिंग दैट प्रोटीन सिंथेसिस दैट मे बी द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और लाइक दैट ईयर, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस ईयर। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो अंडरस्टैंडिंग करोगे तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो ये टाइप का क्वेश्चन हो या फिर अदर टाइप के क्वेश्चन हो प्रोटीन सिंथेसिस पे या फिर ट्रांसक्रिप्शन पे ट्रांसलेशन पे, तो ये आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो
ये भी आपके सब मतलब ये क्वेश्चन देख के भी आपको आपके समझ में आ जाएगा कि भाई इन्होंने कितने डिटेल यहाँ पे पूछा है और कितने डेप्थ में आपको जाना है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई चलो भाई इस तरह का क्वेश्चन सिंपल है तो आप सिंपल ही स्टडी करो करके डिटेल मत जाओ करके, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप जितना ज्यादा डिटेल वहां पे जाओगे पर्टिकुलर टॉपिक पर उतना फायदा आपको वहां पे हो जाएगा, लॉजिक आपका बढ़ेगा वहां पर, और वो लॉजिक भी यूजफुल है जब आपका आंसर आपको कंफर्म नहीं आता है तो लॉजिक वहां पे काम करता है। ठीक है, और डिटेल स्टडी अगर आप करोगे तो दैट स्टडी इट विल बी यूजफुल फॉर गेट एग्जाम, इट विल बी यूजफुल फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम, सो ऑल्सो द स्टडी इन डिटेल। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर का क्वेश्चन, सी विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हाउसकीपिंग जीन्स। ये पॉलीमरेज एंजाइम पे क्वेश्चन है, अगर आप स्ट्रक्चर अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करोगे आरएनए पॉलीमरेज का तो इस टाइप का क्वेश्चन के आंसर भी आपको वहां पे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक्स से है, मॉलिकुलर बायोलॉजी से है, हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो क्वेश्चन है 14 और क्वेश्चन नंबर 16 ये अदर देन माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन यार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। ओके, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री हम इसे कहेंगे, बिटवीन बेसिक बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन जो कि आप वहां पे स्टडी करते हो कि भाई कौन से बॉन्डिंग होती है, कौन से मॉलिक्यूल्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, तो इस टाइप का और फ्रॉम दैट टॉपिक दिस क्वेश्चन इज देयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म बिटवीन वाटर एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन, बिटवीन हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, बिटवीन मिथिल ग्रुप ऑफ एलानिन एंड वाटर। जब आप बेसिक बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे, बेसिक ऑफ प्रोटीन्स, बेसिक ऑफ अमाइनो एसिड्स, बेसिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या वाटर जो आप स्टडी करोगे तो ये इसका आंसर आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो चाहे वो इसी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आप अच्छी तरह से ये सब पॉइंट्स आप करते हो, उसका बेसिक आप अच्छी तरह से पढ़ते हो, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके लेते हो, तो ऐसे प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर तो उसका आंसर आप वहां पे दे सकोगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18, सी हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ, अगेन जेनेटिक्स पे क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ ग्रुप दैट कैन बी एट्रिब्यूटेड टू फिनोटाइप, phenotypic variation in an individual that can be attributed to genes, phenotypic variation in a group that can be attributed to genes, and environmental variation in a group that can be attributed to phenotype. ये थोड़ा सा basic genetics पे question है, तो that you have to study that basic also. ये 15 number का जो question है, ये भी हमारे related है, immunology जो question है, which one is not a agglutination test? Immunology में जब आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ोगे तब आपको ये एग्लूटिनेशन वहां पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसके एग्जांपल भी आप पढ़ोगे। अगर ये आप करते हो चाहे वो एग्लूटिनेशन हो, ये क्वेश्चन दिया है एज अ सैंपल समझो आप इसको कि विच वन इज नॉट एन एग्लूटिनेशन टेस्ट, वहां पे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मतलब ये पॉइंट अगर आप अच्छी तरह से करते हो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसके टाइप्स उसके एग्जांपल्स, तो इस प्रकार के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये आप 100% वहां पे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये है ऑप्शंस जो दिए उन्होंने, विडाल टेस्ट, कूम्स टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट। ओके, तो ये आपको मतलब आ जाएगा जब आप अच्छी तरह से वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सो दिस 20 क्वेश्चन नंबर इज हियर, सी दैट क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रॉसिंग ओवर इज ट्रू। ओके, सो दिस इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स वी कैन से हियर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्रॉसिंग ओवर, सो देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्रॉस ओवर टू ऑकर बिटवीन टू जीन्स फर्दर अपार्ट फ्रॉम द जीन्स नियरर टू ईच अदर, सो व्हेन यू विल
study that recombination or like that. So you will give the answer of this question. Then question number 21. See, the question number 21 is, see, question number 21, name the mechanism by which new alleles appear in a population. Okay, so that is again related to the basic genetics. We can see here karyokinesis, mutation, heredity, cytokinesis. Okay, again question number 22, that is related to the genetics again. Okay, as it is, that two statements are given here, and from these two statements you have to select the correct answer, that which one, which statement is correct, that you have to select. Okay, related to genetics again here, first only is correct, second only is correct, one is correct and second is wrong, second is correct and first is wrong. So out of these two statements you have to identify which one is correct, which one is wrong, or correct answer aapko identify karna hai. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, मतलब दैट इज रिलेटेड टू आवर सिलेबस, वी कैन से हियर आवर सब्जेक्ट, वी कैन से माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सी क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 23 हियर, पैच क्लैंप टेक्निक इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टडीज, व्हाट इज इट मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. So the options are to estimate ion flow through ion channels, to quantify membrane proteins, to estimate membrane lipids in outer leaflet, to prove lateral diffusion of lipids in the membrane. तो आपको कितनी depth में जाना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि समझो हमें प्लाज्मा membrane का स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई किया, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल जो है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं प्लाज्मा membrane का, लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करने के लिए कौन से टेक्निक वहां पे यूज किए जाते हैं या फिर किए हैं. और तो ये टेक्निक जब आप पढ़ोगे कि भाई चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करना है, तो ये यहाँ पे टेक्निक्स, इस टेक्निक से हम पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, मतलब उसका डिटेल स्ट्रक्चर या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ऐसे ही टेक्निक्स आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और उसका पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज कहाँ पे होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के स्टडीज में फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आपको पता करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, ये उस बेसिस पर आया है. उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ नहीं पूछा आपको कि भाई हु प्रपोज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और व्हाट इज द सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऐसे, या फिर विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पूछा है कि, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है ये पूछा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब स्टडी की जाती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टडीज, तो उसमें कौन से टेक्निक वहां पे यूज किए है और किस पर्पस के लिए यूज किए है. तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चंस अदर टेक्निक पे भी आ सकते हैं, तो डीएनए स्ट्रक्चर हो या फिर अदर पॉइंट हो, तो उस तरह से आपको यहाँ पे स्टडी करना है. तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है, ड्यूरिंग इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस Which of the following radionucleotide is most preferred? Okay, so अभी ये again genetics पे question है, experimental type पर question है, बराबर, DNA during in vitro DNA synthesis. Which of the following radionucleotide is most preferred? Okay, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप DNA replication या फिर DNA synthesis आप पढ़ोगे, तो उसमें भी क्या actual मैकेनिज्म तो आप वहां पे पढ़ने वाले हो, आपके सिलेबस में भी रहते, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे से जाके आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है इन डेप्थ कि वहां पे एक्चुअली क्या यूज किया जाता है और फॉर विच पर्पज इट इज यूज्ड, तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आप वहां पे दे सकोगे. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25, अगेन फ्रॉम जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी, द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ द बैक्टीरियल टीआरएनए प्रीकर्सर आर क्लीव्ड During the maturation process, which enzyme is involved in this process? Okay, basic question है, लेकिन कभी कभी हम जो पढ़ते हैं समझो टेक्स्ट बुक में या फिर कुछ पर्टिकुलर नोट्स में कि this particular enzyme is used for this purpose, ये हमारा sentence हमने वहां पे पढ़ा है, एंजाइम का नाम भी हमने पढ़ा है, तो हमें पता भी है वहां पे कौन सा एंजाइम वहां पे यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है. तो इसीलिए पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ के लेना है और उसके बाद आपको ऑप्शन देखने हैं
और आपने जो पढ़ाई की उसको रिकैप करनी है, रिवाइज करनी है और आपको आंसर वहां पे लिखना है। ये प्रोसेस अगर, ये प्रैक्टिस अगर आप हमेशा के लिए फॉलो करोगे, मतलब आप हैबिट डालोगे, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे एंड आप अच्छी तरह से वहां पे स्कोर कर सकोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। अगेन थोड़ा सा जेनेटिक्स पे ही क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे क्वेश्चन है एंड मोर स्पेसिफिकली दिस इज ऑन द म्यूटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए डीप्यूरिनेटिंग एजेंट? इथिल इथेन सल्फोनेट, नाइट्रोसोगोनिडिन, डायमिथिल नाइट्रोसोमाइन, मिथिल इथेन सल्फोनेट। तो ये भी आपको अच्छी तरह से वहां पे प्रोसेस या फिर जो टॉपिक है म्यूटेशन का वगैरह, डीप्यूरिनेशन का, वो आपको अच्छी तरह से वहां पे स्टडी करना है। ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। 28, व्हाट इज दैट क्वेश्चन हियर? डाउनी मिल्ड्यू इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फंगल डिसीज ऑफ ग्रेप वाइंस एंड इट इज कॉज्ड बाय, वेरी बेसिक क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको डिसीजेस के नाम भी ध्यान में रखना है, उसका कॉजेटिव एजेंट भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप स्टडी करोगे तो एक बड़ा सा टेबल चार्ट बनाइए आप, और जहां पे आप स्टडी करते हो वो वॉल पर वहां पे चिपकाइए, ताकि आते जाते वो आप देख सकोगे उसको कि चलो भाई ये बैक्टीरियल डिसीज से, ये बैक्टीरिया का नाम है और उस बैक्टीरिया से कौन सा डिसीज यहाँ पे होता है ये उसका नाम है। और चाहे उसमें आप आगे भी वहां पे डाल सकते हो, शॉर्ट में सिम्टम्स आप वहां पे डाल सकते हो, डायग्नोसिस किस तरह से आप मतलब करते हो वो आप वहां पे डाल सकते हो, और उसके आगे भी आप वहां पे उसका ट्रीटमेंट भी डाल सकते हो, वहां पे कौन से एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन वहां पे यूज किए सकते हैं। सेम थिंग फॉर प्लांट डिसीजेस और लाइक दैट, एनिमल डिसीजेस और लाइक दैट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन आया है ये प्लांट डिसीजेस पे क्वेश्चन है। ओके, डाउनी मिल्ड्यू इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फंगल डिसीज ऑफ ग्रेप वाइंस एंड इट इज कॉज बाय, ये ऑप्शन वहां पे दिया है। तो ये क्वेश्चन हम एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी से ये भी हम कह सकेंगे, या फिर ये क्वेश्चन बेसिक माइक्रोबायोलॉजी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो बीएससी के, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या फिर डिफरेंट डिसीजेस कॉज बाय द माइक्रोबायोलॉजी, फिर हम पढ़े हैं कि उसमें बैक्टीरियल डिसीजेस, ह्यूमन डिसीजेस है, एनिमल डिसीजेस है, प्लांट डिसीजेस है, तो इस तरह से आपको, तो ये देखो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा इंटेंशन है कि आपके समझ में आएगा कि आपको कितने डिटेल में पढ़ाई करनी है। मतलब ऐसा ही नहीं करना है कि भाई चलो ये तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है तो ये क्यों पूछेंगे वो एग्जाम में, तो ऐसा सोच के भी आपको ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है 29 क्वेश्चन भी सेम हमारे टॉपिक से है। प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट इट इज कॉल्ड एज, मतलब ये जो पैरासिटिक इन्फेक्शन जब होता है तो कौन से स्टेजेस वहां पे होते हैं, तो इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो वो भी आपको, मतलब देखो बेसिक क्वेश्चन है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, मुझे मतलब मेरा जो इंटेंशन है ये है। ठीक है, इन्फेस्टेशन है, इन्फेक्शन है, पोल्यूशन है, कंटेमिनेशन है, और कभी भी आप थोड़ा सा जब आपको कुछ आंसर नहीं आता है तो आप थोड़ा सा उस ऑप्शन पर सोचो कि भाई ये इन्फेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे पोल्यूशन कहाँ पे आ गया, ऐसे मतलब आप सोच सकते हो। ठीक है, कंटेमिनेशन हम तो नहीं कहेंगे कि चलो भाई कुछ पर्टिकुलर पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गया तो उसे हम कंटेमिनेशन नहीं कहेंगे, उसे हम इन्फेक्शन कह सकते हैं अगर अंदर जाता है, या फिर ये उन्होंने खाली यहाँ पे सरफेस पे बोला है तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप आंसर वहां पे आपको पता चल सकता है। ठीक है, ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पर 30 नंबर का, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। फिर से बाकी के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कशन करूंगा। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कोडिंग रीजन ऑफ द जीन इज अफेक्टेड, हेंस न्यू प्रोटीन इज फॉर्म, बेसिक जेनेटिक्स पे रिलेटेड है। हेटेरोट्रॉफी, देन हेटेरोटाइपी, हेटेरोक्रोनी, हेटेरोमेट्री। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको, टॉपिक आपको पढ़ाई करने है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद जो हम बोलते हैं कि भाई चलो ऑन द स्पॉट आपको कुछ वहां पे लॉजिक भी लगाना है, ये अगर पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है आपकी, मतलब सब चीजों का, आपकी पढ़ाई
आपका अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर पॉइंट का और आपका लॉजिक। जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका लॉजिक भी वहां पे डेवलप हो जाएगा। और कुछ ऐसे केसेस वहां पे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि कंफर्म आंसर हमको वहां पे पता नहीं होता है, तो इन चीजों में आपको आपका लॉजिक वहां पे काम आएगा। एंड डेफिनेटली मोस्ट केसेस में वो आंसर जब आप लॉजिक से भी लॉजिक यूज करके भी देते हो तो वो नियर अबाउट करेक्ट आता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मतलब देखने हैं, क्वेश्चन पेपर्स का पहले स्टडी करना है आपको, और उसके बाद आपको कुछ ठराविक टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक आपको चूज के उसकी पढ़ाई आपको, उसके अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह से करना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले, ये मैंने टोटल 59 क्वेश्चंस निकाले हैं, और इसमें से हमने नियर अबाउट 15-20 क्वेश्चंस यहाँ पे आज डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर 59 क्वेश्चंस हमारे टॉपिक से है, जो हमने जिस सब्जेक्ट में हमने पीजी किया है उसके रिलेटेड है, तो बाकी के जो 15-20 क्वेश्चंस है तो वो आप इजीली वहां पे बेसिक बेसिक पढ़ के, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो या कुछ अदर हो, तो ये पढ़ के भी आप वहां पे आपका जो स्कोरिंग है, मतलब करेक्ट आंसर भी अगर हम पकड़ेंगे, तो ये आपका मेरे ख्याल से 80 तक जाएगा। ओके, अगर 80 क्वेश्चंस अगर आपके वहां पे करेक्ट आते हैं तो आपका स्कोर वहां पे 160 तक जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ाई करो एंड स्टार्ट करो पढ़ाई, क्योंकि सेट के फॉर्म ऑलरेडी डेट्स आ चुके हैं, एंड मेरे ख्याल से आज से ही, मतलब 12th जनवरी से ये फॉर्म वहां पे शुरू हुए, कल से शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन करना। एक बार चेक कीजिए नोटिफिकेशन एंड स्टार्ट योर स्टडी इमीडिएटली। और ये जो यूट्यूब चैनल है माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके जो दोस्त है उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ फायदा है हो जाए, और आपको पढ़ाई करने के लिए एक कॉम्पिटिटर भी मिल जाए। क्योंकि जब कोई कॉम्पिटिटर हमें होता है कि नहीं भाई चलो मेरा दोस्त बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, तो उसका देख के हम थोड़ा सा पढ़ाई हम करते हैं। तो लाइफ में कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है। सो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बी ट्यून सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन। क्योंकि मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो है हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड, पीजी के सब्जेक्ट के रिलेटेड, और वो सिलेबस जो लाइफ साइंसेस सेट के इसमें इंक्लूड किया है, वो टॉपिक इस पर मैं वीडियो वहां पे बनाने वाला हूँ। थैंक यू।